बीबी के साथ बदलते भारत की शान। स्वागत है आपका खेत खलिहान में, आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हमेशा की तरह खेत खलिहान में आज फिर हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टमाटर की। जी हाँ, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो ये उचित समय है टमाटर की नर्सरी तैयार करने का। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सावधानियां आप बरतें, कैसे आप टमाटर की नर्सरी तैयार करें। आगे हम आपको बताएंगे मछली पालन के बारे में। जी हाँ, मछली पालन में आज हम आपको बताएंगे मछली की ऐसी प्रजाति के बारे में जो कि बहुत ही छोटी जगह में यानी बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स में बड़ी संख्या में की जा सकते हैं, विस्तार से जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। सबसे पहले आज जानकारी उन किसानों के लिए जो कि टमाटर की फसल लेने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, अगर आप टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो ये उचित समय है टमाटर की पौधशाला का। कहा भी जाता है कि जैसी आपकी पौध होगी उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी फसल कैसी होगी, इसलिए टमाटर की पौधशाला तैयार करते वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कौन कौन सी किस्में आप लें, कीटों का उपचार कैसे करें और साथ ही साथ क्यारियों की चौड़ाई कितनी हो, क्या बीज दर हो, इन सभी बातों को समेटे देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। किसान भाइयों, टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफ़ी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाज़ार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है। आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है। तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है। हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज़ आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफ़ी क्षति पहुँचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीज़न की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीज़न के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं कि आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज़ भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहाँ से भी
दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीज़न में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की ज़रूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज़ और डाल दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाज़ार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफ़ेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रान वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा और वाष्प होने से जो अंदर की ज़मीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद एक हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं जिससे कि कोई ज़मीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाज़ार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा। उससे फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज़्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से, ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज़ वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर ना बह जाएं उसको भी बचाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है
हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है, इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डाइथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है, अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्के से छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं, जो हमारी नर्सरी की पौधे, उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफ़ी अनुभव पर निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा डाइथेन भी नहीं डालें, अगर ज़रूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पर आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डाइथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये, 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बना कर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो ये थी टमाटर की नर्सरी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पंगेशियस मछली के बारे में। छोटा सा ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति को लेकर सरकार बहुत गंभीर है, और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के अनुदान भी हमारे मछली पालकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज हम मछली पालन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, वो मछली पालक जिनके पास जगह की कमी है, छोटे पौंड छोटे तालाब हैं, अगर वो भी बड़ी संख्या में मछली पालन करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक नई प्रजाति के बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये प्रजाति है पंगेशियस, और ख़ास बात यह है कि कम जगह में भी बड़ी संख्या में इन मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है, और इनकी वृद्धि दर भी अधिक है, और साथ ही साथ इनकी मांग भी व्यापक बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। मानव संसाधन के लिहाज से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। इतनी बड़ी आबादी के लिए आजीविका के सीमित अवसर हैं, जिन्हें निरंतर बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि हम अपने देश की दिनों दिन बढ़ती आबादी की जीवन यापन की जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जहां कृषि की नई तकनीकों के द्वारा अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, वहीं स्वरोजगार के माध्यम से भी आमदनी के नए स्रोत तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मत्स्य पालन एक आशातीत विकल्प साबित हो सकता है। मत्स्य पालन की परंपरागत तकनीकों से जहां बड़े जल क्षेत्र में सीमित मत्स्य उत्पादन होता था, वहीं हाई डेंसिटी तकनीक से एक छोटे से कृत्रिम जल क्षेत्र में कई गुना अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसका सफल प्रयोग किया है जहांगीराबाद बाराबंकी निवासी शहनवाजुल हक और परवेज ने।
पेंगेशिया ही सिर्फ पाल रहे हैं, वो इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि इतनी हाई डेंसिटी पे सिर्फ यही मछली पाली जा सकती है। तो अब हम तो फार्मर हैं सर, हम लोगों को तो जिस उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा हम तो उसी में जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये है कि कम से कम एरिए में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, तो हमको तो बेनिफिट इसी में है, तो हम तो इसी पे जाएंगे, इसीलिए इस पे गए। दो साल पहले इस क्षेत्र में अपने सीमित संसाधनों और क्षमता से दोनों ने इस तकनीक की शुरुआत की। इसके लिए इन्होंने लगभग 3000 वर्ग फुट के पक्के जल क्षेत्र या छोटे पौंड तैयार किए। करीब 3 से 4 फुट की गहराई वाले इन तालाबों में पानी के भरने और निकासी की पुख्ता व्यवस्था की। इन छोटे पक्के टैंकों में मानक से 2 गुनी संख्या में मछली पालने में सबसे बड़ी समस्या मछलियों के लिए पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखना था, जिसके लिए शहनवाजुल हक ने एयर पंप के माध्यम से पानी में ताजी हवा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने की व्यवस्था की। इसके बाद इस नियंत्रित जल क्षेत्र में पंगेशियस नामक बिना कांटे वाली मछली को पालने का निर्णय किया। चूंकि मार्केट में इस मछली की खास मांग है, अतः पूरी तैयारी के बाद प्रयोग के तौर पर 3000 मछली के बच्चों को 1 यूनिट पौंड में डालकर उनकी परवरिश की गई। परवेज ने खुद शामिल होकर अपनी देखरेख में मछलियों के लिए ब्रांडेड फीड देने से लेकर दवाइयों और पानी में ऑक्सीजन के प्रचुर स्तर को बनाए रखने का इंतजाम करवाया। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखा कि मछलियों को एक निश्चित वजन हासिल करने के बाद उस पौंड से बाहर कर दिया जाए। एक उत्पादन चक्र पूरा करने के बाद इस तरह के मछली पालन से सामान्य से कई गुना ज्यादा मछली का उत्पादन मिला। इससे प्रोत्साहित होकर शहनवाजुल हक ने उतने ही जल क्षेत्र में 2 गुने मत्स्य बीज डालकर उनकी परवरिश की, जिसके परिणाम बेहद उत्साहवर्धक रहे। शहनवाजुल हक बताते हैं कि प्रति यूनिट पौंड से उन्हें 28 से 30 क्विंटल मछली का उत्पादन हो जाता है, जो बाजार मूल्य पर बिक्री के बाद लगभग 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो मुनाफा दे जाता है। आरंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर शहनवाजुल हक और परवेज ने अपने मत्स्य पालन के काम को आगे बढ़ाया। वर्तमान में इनके पास 38 ऐसे पक्के टैंक हैं, जिनमें पंगेशियस मछली पाली जा रही है, जिससे लगभग 1200 क्विंटल तक का उत्पादन भी हो रहा है। छोटा कृत्रिम जल क्षेत्र होने के कारण इन तालाबों में मछलियों का रखरखाव भी आसान होता है, तथा मछलियों के लिए वाजिब माहौल बनाए रखना भी सरल है। इसी को देखते हुए शहनवाजुल हक ने इन टैंक्स के ऊपर शेड भी लगवा दिया है, ताकि मछलियों को अतिरिक्त गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पारंपरिक तरीके से मत्स्य पालन की तुलना में बहुत कम पानी की मात्रा लगती है। साथ ही छोटा जल क्षेत्र होने के कारण शिकारी पक्षियों और बीमारियों की स्थिति में देखभाल करना भी आसान होता है। हालांकि परवेज खान मानते हैं कि नई तकनीक होने के कारण मत्स्य पालकों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है, जिसे प्रशिक्षण और प्रचार के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विधि से मत्स्य पालन कर जल संसाधनों का संरक्षण कर सकें। इसमें सरकारी प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। शहनवाजुल हक और परवेज खान की अनूठी कोशिश और सफलता से प्रेरित होकर आसपास ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी लोग इनके मत्स्य पालन के तरीके को देखने आते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो इनकी हाई डेंसिटी तकनीक से मत्स्य पालन भी करने लगे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है आसिफ सिद्दीकी, जिन्होंने अपने पुराने काम को छोड़कर अब इसी तकनीक से मछली पालन शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें भरपूर मुनाफा भी हो रहा है। आसिफ सिद्दीकी बताते हैं कि इसका एक और फायदा उन्हें दूसरी फसलों की पोषण युक्त सिंचाई के रूप में मिलता है। दरअसल मछलियों के पौंड में भरपूर मात्रा में मछलियों के अपशिष्ट जमा होते रहते हैं, जिसे समय समय पर साफ करना पड़ता है। यही पानी दूसरी फसलों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो उर्वरक का भी काम करता है। हाई डेंसिटी तकनीक से मछली पालन की ये तकनीक धीरे धीरे लोकप्रिय भी हो रही है। इसी से प्रभावित होकर भट्टा व्यवसायी बंथरा निवासी श्री शैलेंद्र सिंह भी इस कारोबार में उतर चुके हैं। इन्होंने इस विधि को बड़े पैमाने पर प्रयोग करना शुरू कर दिया है। भरपूर मुनाफे और बेहद कम मात्रा में जल के प्रयोग से मत्स्य उत्पादन की व्यवहारिक सफलता से प्रभावित होकर
अब केंद्र सरकार ने भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार के मत्स्य विभाग से संबंधित अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल श्री शहनवाजुल हक की मत्स्य पालन तकनीक के तमाम पहलुओं को समझने आ चुका है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि इस तरह की तकनीक मत्स्य उत्पादन को न सिर्फ कई गुना बढ़ा सकती है बल्कि इससे जल दोहन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बहुआयामी फायदों को देखते हुए सरकार मछली पालन के इस मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी मछली पालन योजनाओं के लिए अनुदान देने की भी योजना का प्रयास कर रही है। हम सब ने देखा कि किस तरह हाई डेंसिटी तकनीक से मछली पालन कर कई गुना मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आने वाले समय में एक बड़ी आबादी की जीवन यापन की जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। तो अभी आपने विस्तार से जाना पंगेश्वर मछली के बारे में। आशा करते हैं कि जो मछली पालक का विचार कर रहे थे इस बारे में वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको टमाटर के बारे में बताया, कैसे आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, किस तरीके की बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे बीज हों, कौन सी किस्में हों, कितनी जगह में नर्सरी और कैसे तैयार की जाए, सभी जानकारियाँ आज हमने आप तक खेत खलिहान के माध्यम से पहुँचाई। आशा करते हैं कि ज़रूर ये सभी जानकारियाँ आपके काम आएंगी। इसी के साथ ही आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।